एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? बीए, बीएससी, बीकॉम, यूजी स्तर पर और पीजी स्तर पर एमए, एमएससी, एमकॉम, जो भी बच्चे इस वर्ष ट्वेल्थ पास हुए हैं या ग्रेजुएशन पास किए हैं, जिनको ग्रेजुएशन करना है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, किसी कोर्स में अगर अभी तक आपने प्रवेश नहीं लिया है और आप ये जानना चाहते हैं कि प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है, कब तक आप अपना प्रवेश अपने विद्यालय में ले सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लोकुश यादव ब्लॉग्स। आपको बता दें कि अगर आप अवध विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे यूजी स्तर का हो चाहे पीजी स्तर का हो, तो आपको बता दें सबसे पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूआईएन का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। बिना उस रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी महाविद्यालय में आप प्रवेश नहीं ले सकते हैं। UIN रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट rmluexams.co.in पर जाना है और उसको रजिस्टर्ड कर लेना है। अगर आपके पास UIN रजिस्टर्ड है तभी आप प्रवेश के लिए एलिजिबल हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप ये भी जान लें कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि अगर रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ही नहीं पता है तो कैसे आप प्रवेश लेंगे। आपको बता दें कि अवध विश्वविद्यालय ने दूसरी बार जो डेट बढ़ाई है वो 31 अगस्त है, यानी कि 31 अगस्त तक आप बी ए, बी एस सी, बी कॉम, एम ए, एम एस सी, एम कॉम, किसी भी कोर्स क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन कराकर अपने महाविद्यालय में 31 अगस्त तक ज़रूर सबमिट करें। यानी कि इस वर्ष की जो सेमेस्टर जो आपके प्रवेश लेने हैं, आपको प्रवेश जो एडमिशन आपको कराना है, सेमेस्टर प्रणाली के जो कोर्स चल रहे हैं प्रथम सेमेस्टर में, उन सभी के प्रवेश की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त है। सभी छात्र अपना 31 अगस्त तक प्रवेश ले लें, UIN फॉर्म जरूर भरा लें और फॉर्म भरवाकर अपने विद्यालय में जमा करके वेरीफाई करवाना भी सुनिश्चित करें, क्योंकि फॉर्म भरना ही आपका प्रवेश नहीं है। जब तक UIN फॉर्म विद्यालय से वेरीफाई नहीं होता है तब तक प्रवेश मान्य नहीं होगा। और वेरिफिकेशन और जनरेशन यानी कि फॉर्म भरने और फॉर्म वेरीफाई करने UIN का, उस दोनों की लास्ट डेट 31 अगस्त है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।